के भय रागनी भजन छंद शब्द गाने कहां से पैदा हुए। तब एक विद्वान ने उत्तर दिया के वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, बनकर आंसू आंखों से बही होगी कवि तानदान। जब कोई बात दिल को छू जाती है तब शब्द लयबद्ध होना शुरू होते, नहीं तो नहीं। बात कैसे बनी, एक बार वीर मर्द अपने घर बैठे थे और वह मेरी घराली मन ने कह लागी एक बात कह दूं माँ को, न्यू बोली सारा देश घूमगा वह है, तेरे 23-24 साल हो लिया धंधा पीट दिन आज तू कितना नहीं ले गया। मन ने भी विचार किया मखा भय सत्यार्थ प्रकाश पड़े आर्य समाज के उपदेश सुने या कुण मार गया भूख। फिर मैंने उसका मन राखण खातिर ने बोलिया मखा ठीक से चल लेंगे, फिर मैंने न्यू बता चल लेंगे की थे मन ना क्या है बेरा ही नहीं। वहां न्यू बोली बता दो मैं दूंगी माँ की थे, न्यू बोली चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टा। जब घूमना हो अपना कौन बन लेकर उड़ जागरो करे 80 लड़ाई सरजमल जी क्या युद्ध का मैदान दिखा दे, सांपले धोरे गड्डी में छोटू राम का मकान दिखा दे, अलकपुरे में खड़ी हवेली छाजू राम की पहचान दिखा दे, भरतपुर में पड़ा आज भी केले का केवाड़ देखूं, पुष्कर के माँ गूंज रही जवार सिंह की दाढ़ देखूं, इलाहाबाद के पार्क में ले रहा चंद्रशेखर आट देखूं, देखूं दयानंद का टंकारा गांव होया जावेदों का उजियाला, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए नाटा। जींद शहर के पिछवामर फुलका गांव जुलानी दिखा दे, मन्ना जाफी जिंदी फूकी वा कानपुर की चैनी दिखा दे, मारू जाट और उदय बहन की बल्लभगढ़ में निशानी दिखा दे, लाला जी के शर्मा मारी कड़े पड़ी वा लाठी देखूं, गजनी पीटा जाटा न वा पानी पत की माटी देखूं, राजा नार शंका होडल पलबल मेरे लगरी गात चैटी दे, देखूं गोकुला जाट का मुकाम बंध्या था औरंगजेब ते पाला, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाल। इतिहास में यूपीएससी की परीक्षा में प्रश्न आ रहा था उसका जवाब मन ने लिख रहा क्या, हरियाणवी संस्कृति से जुड़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। गुरु गोविंद सिंह के पूछने थे सरंद की दीवार दिखा दे, और वीर सिंह ने तैमूर मारा कड़े धरी तलवार दिखा दे, रामलाल ने गजनी पीटा पट्टी थी किलकार दिखा दे, लाहौर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का घर देखूंगी, तीनों शेर फांसी तोड़े उस चौक ने फिर देखूंगी, उद्मी राम का गांव लिबास पर साजन बिना डर देखूंगी, देखूंगी धन्ना भगत का घनश्याम होया था बस में मुरली वाला, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए नाटा। अरण्यो बोली 15 दिन नहीं होने दिंदा, कंध परना टेकर एकला चाल दे, कम से कम मुड़े तो लिए चाल एक दिन माँ की तो। न्यू बोली दादा मेर सिंह जाट का गांव बरौना प्रेम कौर का प्यार दिखा दे, दादा मेर सिंह जाट का गांव बरौना प्रेम कौर का प्यार दिखा दे, मुंशी राम का नगर जांडली ठारा कोश हिसार दिखा दे, ईश्वर शंकर करोड़ा दिल्ली का जाओ है वेदों का प्रचार दिखा दे। अरे न्यू बोली आने आने काम और करांगे माँ के, न्यू बोली नगर मदीने शीश झुकावा दिल का हो जा दूर अंधेरा, मदीने तो भरायण चलांगे तीन कोस पे पीर मेरा, घूम फिर शादी पर आवा जड़े दादा अमर शंका बसता डेरा, रोता सलाठ रट्या कर राम स सबका ओए रुखाड़ा, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए नाटा। मनु बोलिया मां फिर तू तो पूजा पाठ लाएगी करने, जो बोली और मैं तो पूजा पाठ करूं हूं, मगा फिर हम तो आर्य समाज जी हां तू यू सौदा करे तो ठा जाई, जो बोली मैं तो पूजा करती हूं, फिर पूछ लिया मैंने अलग दे ही मां किसकी पूजा करे नू तो बता दे, जो बोली मैं उन देवियों की पूजा करती हूं, उन वीरांगनाओं की पूजा करती हूं, उन माताओं की पूजा करती हूं जिनका कर्जा आज भी हिंदुस्तान के सर के ऊपर खड़ा उतरिया नहीं, मैं किसकी करे है तम भी पूजा करो किंती जिनती हम पूजा हां, कान मांगली मारे के सुनियो भजन न कहूं खोज पाऊं।
सोपो को जान गई उनकी कूख अमर होगी वह कुमार जगत में नाम गई। वो नित्य वंदनीय और पूजनीय है, उनकी ऐसे योद्धा और महापुरुष हमारे समाज को दिए, जो देश का राष्ट्र का उत्थान करके हमारे समाज को एक सच्चा रास्ता दिखा गए। पहले नंबर पर क्या सुरेंद्र गुलिया जी, एक भाई जो ये फटू फटुआ काम कर रहे दांगड़ा साहब, सोनू वर्मा जी इस वजन में खुश हो गए, 100-100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सूर्य कवि रणवीर सरस्वती मुंडलाना गांव से अटके दी गए, मेरे बड़े भाई, मेरे शुभ चिंतक, एक बार बैठे हैं बरोने, उसके बाद फोन पर बात हो करती, दूसरी बार बैठ गया। अच्छा तक बैठ का बतलावांगे, 151 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का, बार बार नो बोली, देव की देवी ने पूजू सु शेर सुरसुमल जाया था, गंगा देवी ने पूजू जो वर्षंग को दूध पिलाया था, बसंत कौर ने पूजू राजा नरसिंह गोद खिलाया था, किशोरी देवी ने पूजू दिल्ली का तख्त लाया था। जब मुगलों ने महाराजा सूरजमल को धोखा पट्टी ने मार दिया, महारानी किशोरी अंतिम संस्कार करके और घोड़ा में चढ़ के भरतपुर पहुंची, सभासद बैठे, दरबार लाग रहा, जवाहर सिंह बैठा, मां के आने की खुशी हुई, स्वागत में सारा दरबार खड़ा हो गया। लेकिन लोगों, जब दोहरा आदि के देखा, मां की आंखों में आंसू की जगह खून है, भुजाएं फड़फड़ा रही है, ओठों में कंपकंपी है, सारे घबरा गए। जवाहर सिंह कहने लग गया, मां क्या बात है, जवाहर सिंह कहने लग गया, मां क्या बात है, न्यू बोली, जवाहर सिंह चाड़ा हो गया के बात मां, न्यू बोली ने मुगला ने ठुकरा दी तेरे बाप की पगड़ी, दिल्ली के मतान मर लड़की जवाहर सिंह इंसाफ की पगड़ी, क्या
कि तेरा बाप मुगलों ने धोखे से मार दिया, अंतिम संस्कार करता आई। अरे बेटा दिल्ली आते तोड़नी है, दोनों माँ बेटा अपनी सेना लेकर फिर दिल्ली आ बढ़िए। और जब मुगला ने इस बात का बेरा पटिया, लाल किले के किवाड़ बंद करके और भीतर बैठ गए। किवाड़ तोड़ने के लिए जो हाथी ने टक्कर मारी, उन किवाड़ा में इतने इतने बाजे थे, वो हाथी का शर्मा चाल गया, हाथी उल्टा आया। यूं नजारा जवाहर सिंह के मामा बलराम तोमर, जो इतिहास में बल्लू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब उसने देखा एकदम किवाड़ा का आगे खड़ा हो गया, ने बोला बन जा चिनान दे, हाथी टक्कर मारेगा भले मेरा शरीर मर जाएंगे, दरवाजा टूट जाएगा, किवाड़ टूट जाएंगे। ने बोला मामा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग नहीं कहेंगे बाबू का बदला लेने खातिर मामन पुआया। महारानी के सॉरी ने कह लागी रे जवाहर सिंह, जब तेरा मामा बहा देने खातिर पटड़ा बखड़िया, तू नाटा क्यों है बेटा? ने बोला मां मैं इस बात को जायज नहीं समझता। ने बोली पीछे हो, घायल शेरनी की तरह घोड़े पर कूद गया, हाथी बचड़ गई, हाथी का मारा चाबुक, हाथी ने मारी टक्कर, दरवाजा टूट गया, मुगले छात पर कूद का पसला का नजाक, छात पर चढ़ का पसला का नजाक कूद गया। दिल्ली जीत ली, जवाहर सिंह के राज्याभिषेक की तैयारी हो लगी। दो ज्योतिषी आए, महारानी किशोरी की जय हो, युवराज जवाहर सिंह की जय हो, कहो क्या कहना चाहते हो? हे महारानी, मारी ज्योतिष न्यू कहे कि दिल्ली का सिंहासन आपके लिए शुभ नहीं है। महारानी किशोरी ने दिमाग लाया कि भरतपुर की रसद बहुत लंबी चौड़ी है, जबकि मैं शुभ हो गया 108 मिलियन ने क्या गला गूंगी। ने बोली बेटा अपना घर चलांगे, सेना कूच कर गई। जब दोनों माँ बेटा दिल्ली दबार लग लिया, जब नी बोली आर्य जवाहर सिंह अगामा क्या इतिहास का क्यों कर सी अपन दिल्ली जीती है, फिर मां के करा उल्टे बुढ़ा, हाथी उल्टे बुढ़ा लिए, किला का एक कुआड़ कर लिए गए, दूसरा उन्होंने बबड़िया नहीं, एक आज भी भरतपुर पड़िया है। किले का कुआड़ भरतपुर लेगी, वह कर मर्दाना काम गई, उन माओ को पूछो माँ पुरुषों को जान गई। देखियो ना लोगो, को पत्थर की बना रहा है, को कागज की बना रहा है, और सारे दिन नारे लागे हैं शेरावाली की जय हो। शेरावाली थी कौन, क्या कहा दूसरे नंबर पर। भाई कुलदीप 100 रुपए से मान सम्मान करते, एक साथी और 151 रुपए से मान सम्मान करके गया भाई का धन्यवाद। लोगों
यो लबासपुर तारे जिले में है। इतिहास ठाके देखो ये वीरों की भूमि है। उद्यमी राम नंबरदार ने अंग्रेजा के ना सब लड़ दिए दिया और एक चट्टूकार फंसा गया। उनके जुल्म की इतिहास थी काम के गोरे एक दो संगी की करगा हाथ लाकर कील मार दी। 34 दिन में शहादत दे गया लेकिन अंग्रेजों के सामने जो क्या नहीं उसकी माँ थी चांद कौर उद्यमी राम की। मेरे लिए आदरणीय भुटाना गांव से सतवीर सिंह सांगवान साहब 200 रुपए के मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। जगवीर सिंह सनोब श्री कुंदन लाल आहुलाना गांव के रहने वाले 1100 रुपए गौशाला के निमित्त और 100 रुपए हमारे। बार बार धन्यवाद। धनी ससुरों वाले भाई गौशाला ले जाओ। पर्दा फाश कर दिया मारे हरियाणा की संस्कृति का कति सत्यानाश कर दिया। इस तो बचाओ बीमारी ने मेरा ब्याह तो दूसरा सलाहकार हो जाए दूसरा के ब्याह तो मैं सलाहकार हो जाऊं। अमल कोई नहीं कर रहा। मूछ कटाव बाल बधाव शाही का लनगा टाला ना जिन्स पैर के छोरी ना से देखा जाता चाला ना कोई का उनाला ना बंद सांस कर दिया मारे हरियाणा की संस्कृति का कति सत्यानाश कर दिया। भाई लाठर साहब है चार छोरे हमने ब्याह लिए तो अपने नागे तो भाई के नागे ठाठ बाट के ब्याह करे टीचर ने बढ़म दिया। पावर के खोले चरांदा पावर जिसका कुनबा सेट है ने वो आदमी जिंदगी के जीशे ले सके। तरज पंजाबी बोला में खराबी बंबी आली हेयर स्टाइल ना तुकबंदी बाणी गंदी बेड़ा आली चाल चाल लंगवाड़िया की नहीं मलाल कती घास कर दिया मारे हरियाणा की संस्कृति का कती सत्यानाश कर दिया। कोई बामन की ब्यावस है कोई ब्यावस जाट की समाज पारन के राग गाँव करे बात काट की इसी के बात होगी बात आट की गंदा लिबास कर दिया मारे हरियाणा की संस्कृति का कती सत्यानाश कर दिया। पोप सांग ठा लिया बिना गुरु के चेलिया ने अर्जुन से बिना दिमाग के आदमी होने कहेंगे अब छोरे आज तोड़ करके तोड़ करेंगे और ये कुछ बसाऊंगी। पोप सांग ठा लिया बिना गुरु के चेलिया ने लोग कैसे तोड़ पार दिया इन छोरे अलबेलिया ने इन लुच्चे भांड पंडेलिया ने तंगरो ताश कर दिया मारे हरियाणा की संस्कृति का कति सत्यानाश कर दिया। तीसरे नंबर पर डेढ़ भी नंबर आगे नहीं तैयार हो नाम उठोने ऐसी खेल नहीं दे क्या कहा। सरिया देवी मैं पूछूं सरिया देवी मैं
बदल दिए बाट देख दा। आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे एनडी भारती यूट्यूब चैनल मेरे बड़े भाई सुनील दलाल 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। चौथा नंबर पर सुनियो कौन सी माँ थी शंगना गाट गया।